तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है द क्लिक स्टाइल। पहुंचे हैं दिल्ली के मेहरौली पार्क में, आर्कोलॉजिकल पार्क में, जो कि कुतुब मीनार से बहुत पास है। आप यहाँ पे अलग अलग चलिए स्टार्ट करते हैं हम रोज़ गार्डन से, जो कि यहाँ की बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ से कुतुब मीनार भी बिल्कुल एकदम क्लियर और बिल्कुल आप साफ सुथरा देख सकते हैं, और यहाँ पे 12 महीना आपको रोज़ देखने को मिलेगा और हर तरीके का आपको रोज़ देखने को मिलेगा। एकदम परफेक्ट जगह है, फोटोग्राफी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जिसके रोज़ गार्डन के बराबर में गैलरी है, गैलरी के जस्ट बराबर में जिस तरीके से आप देख सकते हैं पार्क है। पार्क में आपको आप एक छोटा सा पिकनिक ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज, छोटी की पार्टी होती है वो उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लोकेशन भी बहुत अच्छी देख रहे हैं और उसके बराबर में आप नर्सरी के पौधे हर तरीके के फूल आप यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपको। होते हुए हम जमाली कमाली के मस्जिद और कुली खां के मकबरे की तरफ हम जा रहे थे। यहाँ पे रास्ते में आप देख सकते हैं राजाओं की बावली भी है, बट हम एक उसकी तरफ जाने से पहले हमने रास्ते में देखा कि एक पार्क है। पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्क लगा, जिसे हमें देख के बहुत रुकना पड़ा। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बच्चों के साथ आ सकते हैं, एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और आप देखिए कि आप यहाँ पर आपको रॉक्स भी देखने को मिलेंगे और जिस तरीके से आप ऊपर देखेंगे रॉक्स हैं और बहुत अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडल भी आते हैं, टिकटॉक व्यूवर्स भी आते हैं, टिकटॉक भी बनाने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से खोपचे बने हुए हैं। यहाँ पे कपल्स के लिए बहुत बढ़िया जगह है। ओह व्हाट अ प्लेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से गुंबद बनी हुई है, यहाँ पे बहुत अच्छा एकदम व्यू आ रहा है और बीच में एक बना हुआ है। और आइए चलिए ऊपर चल के देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ऊंचाई पे बना हुआ है काफ़ी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से कुतुब मीनार भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आइए चलिए ऊपर चलते देखते हैं। वाओ बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको कुतुब मीनार बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा और बिल्कुल आप ऊपर से देख सकते हैं, आपको कुतुब मीनार भी दिखेगा और यहाँ बराबर में जमाली कमाली की मस्जिद भी आपको देखने को मिल जाएगी।
मेरे पीछे बराबर में देख रहे हैं, ये है बलवन जी के टॉम का है, एक दरगाह है इस तरीके, और जो पुरानी होने की वजह से ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, अंदाजे से लगा सकते हैं कि कब्र कितनी पुरानी होगी। और देख रहे हैं बिल्कुल इसमें यहाँ पे लोग आते हैं और बिल्कुल यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ के टॉम को आप देख सकते हैं। देखो कितना अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे, आप आ सकते आके आप भी देखिए यहाँ पे, और बिल्कुल एक हिस्ट्री एक होती है कि उसमें आप जिसको हिस्ट्री बहुत प्यार हो और उस आप उसको देखना चाहते हैं और इसको आप फील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके उसको फील कर सकते हैं। यहाँ पे है और कम से कम आपको 100 से ज़्यादा ऐतिहासिक प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अब पूरा कम से कम 200 एकड़ में ये पूरा आर्कोलॉजिकल पार्क से आप देखें, लेवन बलवन के मकबरे का द्वार भी इस साइड ही है और मेरे पीछे आपको खान शाहिद का मकबरा देखने को मिलेगा। और हम उस मकबरे की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या हमको देखने को अच्छा सा। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये खान शाहिद की मस्जिद है और अभी भी ये इसमें नमाज़ें होती हैं और नमाज़ पढ़ी जाती है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं राजाओं की बावली की तरफ, आगे चलते हैं राजाओं की बावली देखते हैं। देख रहे हैं ये रास्ता पूरा राजाओं की बावली की तरफ जा रहा है और आसपास भी आपको थोड़े 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 ऐसे प्लेसेस देखने को मिलेंगे जो कि मतलब पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, एकदम आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहें मिलेगी और नज़ारा बहुत अच्छा है। और आइए चलते हैं, बहुत डरावना सा लग रहा है क्योंकि जंगल है पूरा, आप रात के टाइम बिल्कुल मत आइएगा। राजाओं की बावली हम पहुंचने ही वाले हैं और ये थोड़ा यहाँ से सरहद इसकी स्टार्ट हो जाती है जी, देख रहे हैं आप मैप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके के आपको मैप मिलते रहेंगे, ये आपको दर्शाते रहेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस जगह के है, पूरा आपको ये दिखाते रहेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ बनाई गई है, पूरा पत्थर से और तराशा गया है। बावली और उसी के जस्ट सामने आपको देखने को मिल जाएगी राजाओं की बावली, दोनों ही आमने सामने बनी हुई हैं। ये राजाओं की बावली जिस तरीके से काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है और आप देख रहे हैं पानी भी ऐसा लग रहा है बहुत सालों से जमा हुआ। चलिए हम ऊपर चलते हैं छत की तरफ, बहुत ही पतला एकदम सीढ़ियाँ हैं और एकदम बिल्कुल दबी हुई है, आराम से आइएगा। ये राजाओं की बावली आप देख रहे हैं और ये पूरी बावली है, पानी भरा हुआ है और जस्ट उसके ऊपर हम चल के आए, चढ़ के आए ऊपर, और ये कुआं है और बावली के ऊपर कुआं बना हुआ भी है, कमाए हैरानी की बात है। और अंदर अभी तो बहुत गंदा भर चुका है, ऊपर बावली के ऊपर कुआं बना हुआ है। कुएं से होते हुए आगे आ चुके हैं और ऊपर ही हम चल रहे हैं अभी, ऊपर देखिए अभी और ऊपर जाने की भी जगह है, हम ऊपर की तरफ चलेंगे और उससे पहले देखते हैं ये एक मकबरा सा बना हुआ है, अंदर दरगाह है, ऊपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से तराशा गया है। फिर वही छोटा रास्ता ऊपर जाने के लिए इतने छोटे रास्ते बनाए गए होते हैं कि पता नहीं पहले के लोग इतने पतले हुआ क्यों करते थे, ज़्यादा ही डाइटिंग करते थे लगता है। वाओ, ऊपर हम राजाओं की बावली के सबसे ऊपर वाले मंजिल पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू नज़र दिखाई दे रहा है यहाँ से, और बिल्कुल राजाओं की बावली इस साइड है और पूरा
बिल्कुल गार्डन इस तरीके से शो हो रहा है, जैसे कि बिल्कुल पार्क के बिछा हुआ है पेड़ों का, बिल्कुल तरीके से अच्छा लग रहा है। बिल्कुल राजाओं की बाहुली के ऊपर की तरफ से सबसे टॉप पे हम हैं। सो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बने घंटे को भी दबाते हुए जाएं। जैसे आप हमें बताएं कि आपको किसी प्लेसेस और कैसे आपको वीडियो चाहिए, जिस तरीके से आपको जिस प्लेस की आपको वीडियो चाहिए होगी, हम उस प्लेस में जाके आपको पूरी एक एक चीज़ें बताएंगे। और आगे हमारी वीडियो और आती रहेंगी, उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना शेयर करना ना भूलें। और हमें जितना प्यार आप देंगे उतना हम आपको अच्छे से अच्छा सब चीज़ के बारे में बताते जाएंगे। वीडियो।